हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ कोल्ड स्टोरेज। यदि आप इसकी डेफिनेशन, डायग्राम, कंपोनेंट एंड वर्किंग समझना चाहते हैं तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको समझते जाना है। सबसे पहले यहां पर जो टॉपिक लिखा हुआ है वहां से मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक में लिखा हुआ है कोल्ड स्टोरेज, तो जो दूसरा वर्ड है स्टोरेज, इसका सभी लोग मतलब जानते होंगे। जब भी हम किसी आइटम को लंबे समय तक रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोर करके रखना या फिर स्टोरेज। पहला जो वर्ड है कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम को जब ठंडा करके लंबे समय तक रखते हैं या फिर हम स्टोर करके रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज। लेकिन क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हम किसी आइटम को ठंडा करके क्यों रखते हैं। ठंडा करने का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि उस जगह का जो नॉर्मल कंडीशन होती है या फिर जो उसकी सराउंडिंग होती है उसकी तुलना में उस जगह का टेम्परेचर कम होता है, ऐसी जगह हम कुछ आइटम रख देते हैं। तो हम क्यों रखते हैं, क्योंकि कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे कि हमारी सब्जियां हैं, फल वगैरह हैं, और भी ऐसे आइटम हैं जैसे कि हमारा मीट होता है, फिश होता है, और भी ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जिनको अगर हम कोल्ड स्थान पर नहीं रखेंगे तो क्या होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं। यदि हम अपने घरों की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, फ्रिज होता है, या जिसे हम रेफ्रिजरेटर के रूप में जानते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हम बाजार से सब्जियां, फ्रूट्स लाते हैं या कोई ऐसे भी और भी आइटम होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, क्योंकि वह खराब ना हो। लेकिन ऐसे ही आइटम जब लार्ज क्वांटिटी में हो और हमें लंबे समय तक रखना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक रूम या बिल्डिंग डिजाइन करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटेड रूम और बिल्डिंग। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटेड रूम और बिल्डिंग, जिसको हम डिजाइन करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे आइटम जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन जो हम रूम और बिल्डिंग रेफ्रिजरेटेड के रूप में डिजाइन करते हैं वह किस सिस्टम पर काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यह समझना जरूरी है। तो नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर होता हमारा, उसी तरह इसमें भी हम कंपोनेंट यूज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, रिसीवर होता है, एवोपोरेटर होता है, इसी तरह इसमें भी वही कंपोनेंट होते हैं। लेकिन ये किस सिस्टम पर काम करता है, इसके अंदर हम यूज करते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, जो वेपर है उसको कंप्रेस करने का काम करता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है, यह किस पर काम करता है, वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर यह वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर हम यूज करते हैं कंप्रेसर, जो क्या करता है, इसमें हम क्या करते हैं, अमोनिया के रूप में रेफ्रिजरेंट को यूज करते हैं। मतलब रेफ्रिजरेंट जो यूज करते हैं वह कौन सा यूज करते हैं, अमोनिया। तो यहाँ पर जो कंप्रेसर क्या यूज क्या काम करता है, जो अमोनिया की वेपर होती है उसको कंप्रेस करने का काम करता है। अब कंपोनेंट तो उसी तरह होते हैं जैसा कि आप समझ गए होंगे, जो हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा हुआ है, सेम इसकी भी वर्किंग प्रिंसिपल होता है, सेम इसकी भी वर्किंग होती है। लेकिन पूरे डिजाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पूरा कैसे वर्क करता है, कैसे हम किसी रूम को और बिल्डिंग को ठंडा करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसको हम बड़ा करके समझाते हैं, सारे कंपोनेंट समझते हैं और इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट है उनका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जो रेड कलर में दिख रहा होगा, ये कंप्रेसर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या होता है, जो कि अमोनिया की वेपर होती है उसको कंप्रेस करना। कंप्रेस करना मतलब उसके टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है कंप्रेसर। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक कंडेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंस करता है, जो अमोनिया की वेपर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की होती है उसको कंडेंस करता, मतलब फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन उसके टेम्परेचर और प्रेशर को कम नहीं होने देता। कंडेंसर के अंदर हम जो मीडियम यूज करते हैं वाटर का यूज करते हैं, जो कि हमारी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है आसानी से। नेक्स्ट यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है। रिसीवर क्या काम करता है, जो कंडेंसर से लिक्विड फॉर्म में अमोनिया आती है
वह इसके अंदर स्टोर हो जाती है, जिसको हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे भेजते हैं। आगे कहाँ भेजते हैं जी, एक्सपेंशन बल्ब लगा हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा, एक्सपेंशन बल्ब लगा हुआ है, इसका यहाँ एरो करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो जो हमारा एक्सपेंशन बल्ब है यह क्या करता है, जो हमारी लिक्विड फॉर्म में जो अमोनिया आएगी इसके अंदर एक्सपेंशन बल्ब के अंदर, या थ्रॉटल बल्ब भी बोलते हैं, वह क्या करता है प्रेशर और टेम्परेचर को कम कर देता है, या इसके प्रेशर और टेम्परेचर को रिलीज कर देता है, उसे एक किस्म से ठंडा कर देता है, किसको, अमोनिया को, लिक्विड फॉर्म में रहती हुआ। वह आगे कहाँ जाती है, एवोपरेटर कॉइल रहती है। एवोपरेटर कॉइल का काम क्या करती है, मेन कंपोनेंट है जो हम जिस रूम को या जिस बिल्डिंग को ठंडा करना चाह रहे हैं उसके अंदर फिट रहती है, थोड़ा अंदर फिट रहती है, वो क्या करती है इसकी हीट को एक्सचेंज करती है, मतलब इसके अंदर से लिक्विड गुजरेगा वह क्या करता है जो रूम की हीट है उसको एब्जर्व कर लेता है और खुद वेपर में कन्वर्ट होके आगे बढ़ जाता है कंप्रेसर के अंदर। ये हमारे यहाँ पर कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट और है ब्लोअर, ब्लोअर लिखा हुआ है, यह क्या करता है जो भी हमारी ठंडी एयर होती है उसको पूरी रूम के अंदर सर्कुलेट करने का काम करता है, जिससे पूरा रूम कोल्ड रहे और ठंडा रहे। तो ये थे हमारे कंपोनेंट। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, तो वर्किंग को भी बहुत आसानी से और अच्छे से समझना है। फिर से हम वर्किंग कहाँ से, कंप्रेसर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर के अंदर क्या आती है, वेपर फॉर्म में क्या आती है, ये जो हमारी क्या आती है, अमोनिया आती है। अमोनिया किस फॉर्म में होती है, वेपर में, लेकिन उसका प्रेशर कैसा होता है, लो होता है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है क्योंकि वह वेपर फॉर्म में रहती है। तो ये देख रहे हैं एयरो कहाँ से आती है, वो वह वेपर ये एवोपरेटर से निकलती है, ऐसे ऐसे एयरो जहाँ से क्लियर दिख रहे हैं, एयरो से आप समझ सकते हैं ये रेड लाइन में, ये जो हमारी इससे कहाँ आई, कंप्रेसर के अंदर आई, यहाँ वेपर फॉर्म में इन किया कंप्रेसर के अंदर ने, किसने, वेपर फॉर्म में अमोनिया। अमोनिया की जो वेपर फॉर्म होती है कंप्रेसर के अंदर आई, कंप्रेसर क्या करेगा उसको कंप्रेस कर देगा, मतलब उसको दबा देगा, इतना दबा देगा कि उसका टेम्परेचर प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाए। तो जैसे ही वेपर फॉर्म में जो अमोनिया रहती है उसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता है, वह यहाँ से एक एग्जिट वाल्व रहता है, वहां से उस वेपर फॉर्म में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की अमोनिया कहाँ आगे जाती है, ब्लू कलर की लाइन कहाँ आती है, सीधी कंडेंसर के अंदर आती है। कंडेंसर के अंदर क्या होता है, जो वेपर फॉर्म में अमोनिया रहती है उसका टेम्परेचर प्रेशर भी हाई रहता है, इसमें कंडेंस हो जाती है। कंडेंस के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, वह क्या करता है जो हमारी वेपर फॉर्म में अमोनिया उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है। तो अब यहाँ पर कंडेंसर के अंदर क्या होता है, जो अमोनिया निकलेगी वह लिक्विड फॉर्म में निकलेगी, लेकिन याद रखें यहाँ पर कंडेंसर सिर्फ फेस चेंज करता है, क्या करता है सिर्फ फेस चेंज करता है, उसके टेम्परेचर प्रेशर को कम नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेटेंट हीट का यूज होता है और क्या करता है कंडेंसर उसके फेस को चेंज कर देता है, मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर वही रहता है जब कंप्रेसर से बाहर निकली थी उस टाइम था। तो यहाँ कंडेंसर से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का लिक्विड कंडेंसर से बाहर निकलता है और वह लिक्विड कहाँ जाता है, रिसीवर के अंदर जाता है। तो रिसीवर के अंदर भी जो हमारा लिक्विड रहता है अमोनिया, अमोनिया किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, कहाँ, रिसीवर के अंदर, उसका भी टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा सा अधिक रहता है जितना कि कंडेंसर के अंदर था, कंडेंसर से बाहर था। इस रिसीवर के अंदर से बाहर निकलता है ये लाइन के थ्रू, यहाँ दिख रहा होगा एरो, इसके थ्रू कहाँ जाता है अमोनिया लिक्विड फॉर्म में, एक्सपेंशन वॉल्व में, कहाँ जाता है एक्सपेंशन वॉल्व में। एक्सपेंशन जैसा कि नाम है ये एक्सपेंड हो, यहाँ पर एक्सपेंशन सिस्टम लगाया जाता है जो एक्सपेंड कर देता, मतलब जो हमारा लिक्विड फॉर्म में अमोनिया था उसको क्या करता है, उसके टेम्परेचर प्रेशर को दोनों को एकदम से कम कर देता है, इतना कम कर देता है कि वह ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि जिस भी जगह को हम ठंडा करने जा रहे हैं उसके उससे भी टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो लिक्विड फॉर्म में अमोनिया थी, अब अमोनिया बार बार नाम यूज कर रहा हूं मैं, एक अमोनिया होती है यहाँ पर किस रूम में यूज की जाती है, रेफ्रिजरेंट के रूप में। रेफ्रिजरेंट कहाँ पर यूज करते हैं, एक ऐसा आइटम के लिए यूज करते हैं जिसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, हीट को एब्जर्व करने के लिए। तो हीट को एब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज क्या कर रहे हैं, अमोनिया यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो आप इसलिए याद रखें रेफ्रिजरेंट क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर अमोनिया यूज कर रहे हैं। तो अब जो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में थी यहाँ, जो कैसी हो गई, ठंडी हो गई, उसका टेम्परेचर प्रेशर भी कम हो गया, कहाँ पर, एक्सपेंशन वॉल्व के अंदर। अब एक्सपेंशन वॉल्व से सीधी अमोनिया का टेम्परेचर लो होता, प्रेशर भी लो होता, कहाँ जाती है, एवोपरेटर कॉइल के अंदर। तो एवोपरेटर कॉइल के अंदर ऐसी कॉइल बनी रहती है, इस कॉइल के अंदर से पूरा क्या गुजरता है, अमोनिया लिक्विड फॉर्म। और यहाँ पर अमोनिया करता क्या, अमोनिया का टेम्परेचर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, कम रहता है। और इसके जो रूम, जिस रूम को हम ठंडा करना चाह रहे हैं
उसके एनवायरमेंट का टेम्परेचर कैसा रहता है, अधिक रहता है, तो इसके अंदर से क्या करता है वह अमोनिया इसकी हीट, जो इसकी एयर है उसकी हीट को एब्जर्व कर लेता है। तो अमोनिया क्या करेगा, जो इसके जो रूम के अंदर हीट है उसकी हीट को एब्जर्व कर लेगा। एब्जर्व करेगा तो जो हमारा रूम है उसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, मतलब तो धीमे धीमे ठंडा होने लगेगा। तो अमोनिया ने क्या किया, रूम की जो हीट थी उसको एब्जर्व कर लिया। जब एब्जर्व करेगा तो अमोनिया का लिक्विड फॉर्म में थी उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो जैसे जैसे एब्जर्व और अधिक से अधिक करता जाता है, धीमे धीमे जब यहाँ से निकलता है, जब तक क्या होता है अमोनिया पूरी तरह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है, लेकिन प्रेशर लो रहता है। तो अमोनिया जब जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हो जाती है वह बाहर निकलने लगती धीमे धीमे, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है लेकिन प्रेशर लो रहता है। तो इसने इसके अंदर क्या किया, एवोपरेटर के अंदर क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म में अमोनिया गुजरी और वह वेपर में कन्वर्ट हो गई। वेपर में कन्वर्ट कैसे हो गई, क्योंकि उसने रूम के अंदर की हीट को एब्जर्व कर लिया। जब रूम के अंदर की हीट को एब्जर्व किया जाता है तो उसकी रूम के अंदर का टेम्परेचर धीमे धीमे कम होने लगता है, और फिर से अमोनिया वेपर फॉर्म में कहाँ जाती है, कंप्रेसर के अंदर जाती है, और फिर वही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, और धीमे धीमे ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, और धीमे धीमे क्या होता है, रूम का टेम्परेचर धीमे धीमे कम होने लगता है। जितनी हमें सेट कर देते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना टेम्परेचर कम आसानी से कर देता है, और फिर उसको मेंटेन करके भी रखता है। अब जो इसकी एयर ठंडी होती है, वह एयर क्या 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 करते हैं, पूरे रूम के अंदर सर्कुलेट करना है, क्योंकि पूरे रूम के अंदर हमने स्टोरेज बना रखा है। तो क्या करता है, ये ब्लोअर लगा देते हैं। ब्लोअर क्या काम करता है, ठंडी एयर, इसका टेम्परेचर कम हो गया, उसको पूरे रूम में सर्कुलेट करता रहता है, जिससे कि पूरा रूम ठंडा रहता है। तो ऐसे कंटिन्यू ये वर्किंग चलती रहती है। समझ में आया होगा जो भी मैंने आज समझाने की कोशिश की, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है, आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं यदि एग्जाम में पूछा जाता है, और इस डायग्राम को भी बना देना। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।